जब आपके पास टाइम हो और जब आपका मन हो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं क्योंकि ये आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है तो हम ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम सिर्फ आपको वो टॉपिक्स बताएंगे वो क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं प्रिपेयर करने के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में गिवन है सो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हर बार एग्जाम में आते हैं जिनको छोड़ना कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता आपका एग्जामिनर कोई भी हो किसी भी लेवल का एग्जाम सेट करे, ये वो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में टोटल छह से सात टॉपिक है अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तब तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सारे ही टॉपिक्स प्रिपेयर करो लेकिन अगर आप 85, 90, 90 प्लस तक स्कोर करना चाहते हो तो आप केवल ये वाले टॉपिक्स कर लो जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज सफिशियंट सो टोटल टॉपिक्स हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कोस्ट एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम नॉमिनल एंड रियल जीडीपी जीडीपी एंड वेलफेयर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड्स मैथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम तो टोटल सेवन टू एट टॉपिक्स हैं लेकिन आपको ये सारे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है एक एक करके हम बात करते हैं सबसे पहले दो नंबर के लिए अगर आप टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हो ना तो आपको ये दो टॉपिक प्रिपेयर करने फर्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल इनकम एंड फैक्टर इनकम वर्सेज ट्रांसफर इनकम आपको ना इनका डिफरेंस अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इनका डिफरेंस अच्छे से रीड आउट करना है क्योंकि एग्जाम में आपको ना क्वेश्चन आएंगे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का मीनिंग नहीं आएगा क्वेश्चन आएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्टेटमेंट दी जाएगी और उस स्टेटमेंट को रीड करके आपको पता लगाना होगा वेदर दबव स्टेटमेंट इज काउंटेड अंडर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम एंड वाई यानी आपको एक एग्जाम्पल दी जाएगी जिसको रीड करके आपको पता लगाना होगा कि क्या हम इस एग्जाम्पल को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे करेंगे तो क्यों करेंगे नहीं करेंगे तो क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे सिमिलरली नेशनल इनकम के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक एग्जाम्पल दी होगी एग्जाम्पल को रीड करके आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे यस और नो विद रीजन आपको रीजन भी देना पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो क्योंकि एग्जाम में ना आपको एक एग्जाम्पल दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा बताओ ये फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी सो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं हम इसकी प्रैक्टिस आपको साथ साथ करवा देते हैं अगर आपको टॉपिक्स समझ आते हैं तो सही है नहीं समझ आते तो भाई अभी भी टाइम है वीडियोस डिस्क्रिप्शन में गिवन है उनका लिंक जाकर जरूर देख लीजिएगा चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन है विल दी फॉलोइंग बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया गिव रीजन फॉर योर आंसर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी जाएंगी और उन एग्जाम्पल्स को रीड करके आपको पता लगाना है कि क्या ये एग्जाम्पल्स डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में इंक्लूड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी अगर की जाएंगी तो क्यों अगर नहीं की जाएंगी तो क्यों नहीं की जाएंगी, तो जाएंगी? दोनों का रीजन देना है अगर आपने रीजन नहीं दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे सो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का बेसिक डिफरेंस तो आपको पता ही है डोमेस्टिक इनकम यानी इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जबकि नेशनल इनकम क्या होता है नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली दो फैक्टर इनकम विच आर अर्ड बाय दॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वेदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी सो कंप्लीट डिटेल में आपको नहीं बताने वाला उसके लिए आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा फिलहाल हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं आपके दो नंबर पक्के हो जाएंगे क्वेश्चन ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय गवर्नमेंट क्या ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है क्या इसको डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में काउंट किया जाएगा आपका आंसर होना चाहिए नहीं रीजन क्या है क्योंकि ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं की जाती ट्रांसफर इनकम आपको पता है वो इनकम होती है जो फ्री फंड में आराम से फ्री बैठे रहो फिर भी मिल जाती है जैसे स्कॉलरशिप हो गया जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज और फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो मेहनत के पैसे होते हैं जो मेहनत करने के बाद मिलते हैं जिसको हम इनकम में इंक्लूड करते हैं सो so, क्योंकि ये ओल्ड एज पेंशन है गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में दी जाती है बुजुर्ग लोगों को इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपको ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के बीच में अगर आपको difference अच्छे से पता है ना तो आप इस तरह के answers, easily exam में दे सकते हो क्या इसको हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे तो आंसर है नहीं क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये अब्रोड की इनकम है इनकम फ्रॉम एब्रोड यहां पर ही इसका रीजन लिख रखा है डोमेस्टिक इनकम में हम सिर्फ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम को इंक्लूड करते हैं एब्रोड की इनकम को नहीं सो इट इज अ फैक्टर इनकम बट फ्रॉम एब्रोड फैक्टर इनकम तो है मेहनत का पैसा तो है लेकिन एब्रोड से आया है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी का नहीं है इसलिए डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा थर्ड सैलरीज ऑफ इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेस इन इंडिया इंडियन रेजिडेंट है इंडिया में काम करते हैं इंडिया में रशियन एम्बेसि जो है ना वहां पर वो काम करते हैं क्या ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा तो इसका आंसर है येस। रीजन टेरिटरी, भाई विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम विद इन इंडिया है ना तो काउंट की जाएगी अब रशिया की एम्बेसि इंडिया में है वर्कर्स भी इंडियन है काम भी इंडिया में हो है सैलरी भी इंडिया में मिल रही है सब कुछ इंडिया में है डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया तो काउंट किया जाएगा फोर्थ प्रॉफिट अर्न अ कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट अब ये कह रहे हैं कि इंडिया में एक कंपनी है लेकिन वो इंडियन कंपनी नहीं है जैसे कोका कोला इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन इंडिया में उसका बिजनेस चल रहा है तो कोका कोला का जो ब्रांच इंडिया में है उसका प्रॉफिट डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा ऑब्वियसली ये yes, मैंने अभी कहा डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम विद इन इंडिया है चाहे वो नॉन रेजिडेंट ने अर्न की हो चाहे रेजिडेंट ने अर्न की हो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है उसको डोमेस्टिक इनकम में काउंट किया जाता है ऐसे ही एक और क्वेश्चन है प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांच इन इंडिया क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में काउंट होगा ऑब्वियसली इसके एग्जाम्पल मैंने अभी दी प्रॉफिट अर्न बाय बैंक बट इट्स ब्रांच इज इन इंडिया ब्रांच इंडिया में है तो इंडिया में है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो काउंट होगा स्कॉलरशिप गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है स्कॉलरशिप तो फ्री में मिलती है इसका मतलब ये ट्रांसफर इनकम है तो ट्रांसफर इनकम तो डोमेस्टिक हो चाहे नेशनल हो किसी भी इनकम में काउंट नहीं होता तो आंसर आना चाहिए नो प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर इंडियन रेजिडेंट है उसकी कंपनी सिंगापुर में है सिंगापुर तो इंडिया में नहीं है ना मतलब ये इंडिया से बाहर चला गया जो चीज इंडिया से बाहर चली गई वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी सो तो इसका मतलब इसकी इनकम को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉरेन है एब्रॉड की इनकम है हां अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट अर्न बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर वेदर दिस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑब्वियसली यस हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे लेकिन डोमेस्टिक में नहीं नेशनल इनकम का मतलब होता है इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट वेदर इट इज विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया यानी जो भी पैसा इंडिया के बंदे ने कमाया है इंडिया में रहते हुए चाहे किसी और कंट्री में रहते हुए वो नेशनल इनकम में आता है लेकिन अभी हमने यहां पर नो लिखा है क्यों क्योंकि डोमेस्टिक इनकम पूछा गया था तो सिंगापुर डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है इसलिए नहीं काउंट होगा सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया सेम अभी एग्जाम्पल हमने की थी यहां पर रशिया एम्बेसी था यहां पर अमेरिकन एम्बेस है तो इसका आंसर भी यस होगा इसको भी हम काउंट करेंगे इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास है लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ये एग्जाम्पल्स आप एज अ होमवर्क जरूर ट्राई करो इसमें से कुछ जो डिफिकल्ट वाली है वो मैं आपको करवा देता हूं जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या हम इसको नेशनल इनकम में काउंट करेंगे तो इसका आंसर है यस क्योंकि सिंपल है Debentures का मतलब होता है लोन प्रोवाइड करना so, अगर मैंने आपको लोन दिया है उधार दिया है तो उसके ऊपर आप मेरे को इंटरेस्ट दोगे ना तो ये मेरी ट्रांसफर इनकम नहीं है फैक्टर इनकम है मैंने आपको उधार दिया है मैंने अपनी मनी सेक्रीफाइस की है मैंने आपको सर्विसेज दी है जिसके बदले में आप मेरे को इंटरेस्ट दे रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एन इनकम इट इज अ फैक्टर इनकम सो नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाएगा ओल्ड एज पेंशन ये मैंने अभी आपको बता दिया ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं की जाती क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है इसके अलावा क्या डिविडेंड नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं ये आपके लिए होमवर्क है कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट इसमें से हम ये ट्राई करते हैं फ्री राशन टू डिफेंस पर्सोनल अब आपको पता है कि जो डिफेंस पर्सोनल होते हैं जो आर्मी मैन होते हैं उनकी फैमिली को फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है क्या ये नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा ऑब्वियसली ये yes. क्योंकि ये पेमेंट इन काइंड है आपको याद होगा इनकम मेथड में कंपनसेशन टू इंप्लॉय आता था कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉय में पेमेंट इन कैश पेमेंट इन काइंड तो ये पेमेंट इन काइंड है तो so ये फैक्टर इनकम है इंक्लूड किया जाएगा इसके अलावा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस आप अपने घर में रह रहे हो क्या उस घर का रेंट नेशनल इनकम में काउंट होता है ऑब्वियसली इम्पुटेड रेंट मतलब अनुमानित अनुमानित किराया जो आप अपने घर का पे कर सकते हो चाहे आपने उसको रेंट पे नहीं लिया है आपका खुद का घर है फिर भी हम उसको काउंट करते हैं क्योंकि ये एक वैल्यू ऐड करता है इकोनॉमी में इसलिए हम इसको काउंट करते हैं इसके अलावा रेंट फ्रॉम बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरेन इन्वेस्टिंग आपने अपनी एक बिल्डिंग किराए पर दे रखी है क्या वो काउंट किया जाएगा नेशनल इनकम में ऑब्वियसली कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास हैं जितनी ज्यादा एग्जांपल्स आप ट्राई करोगे ना उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं ये आपके लिए होमवर्क है इनको जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट में जरूर बताना ताकि हम चेक कर सकें और अगर आपका आंसर सही होगा तो हम आपके कमेंट को लाइक भी कर सकें अच्छा ये तो था फर्स्ट टॉपिक अगर आपको दो मार्क्स अपने पक्के करने हैं तो आपको डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच का डिफरेंस अच्छे से करना अब हम बढ़ते थोड़ा सा आगे और बात करते हैं दो नंबर वाले एक और टॉपिक की सेकेंड टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है टू गेट टू मार्क्स रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में ना डिफरेंस अच्छे से अंडरस्टैंड करना जी डी और वेलफेयर का टॉपिक भी आपको अच्छे से करना हाला है हालांकि जरूर एक बार रीड आउट कर लेना अब सबसे पहले हम बात करते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस तो आपको पता ही है जब हम एक इकोनॉमी की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं

किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी जीडीपी बढ़ जाती है अगर इकॉनमी में किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो हमारी जीडीपी कम हो जाती है यानी ये सिर्फ नाम की जीडीपी है नॉमिनल जीडीपी है ये एक्चुअल जीडीपी नहीं है हमें एवरेज जो रिजल्ट होते हैं वो पता नहीं चलते अच्छा अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर वन Given हाउ कैन वी फाइंड रियल जी डी पी अगर आपको नॉमिनल जी डी पी दे रखी है तो क्या आप रियल जी डी पी कैलकुलेट कर सकते हो यस yes, कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको रियल जी डी पी और नॉमिनल GDP का मीनिंग लिखना होगा मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपको इस तरह के क्वेश्चन में लिखना है GDP प्राइस प्राइज इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई हंड्रेड ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर अगर आपको नॉमिनल जीडीपी दी हो तो क्या आप रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो ऑब्वियसली हमें प्राइस इंडेक्स रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी और मल्टीप्लाई हंड्रेड इस फॉर्मूला को याद करना है क्या अब हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली यस इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको सिर्फ और सिर्फ ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्या आ जाएगा रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइज इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जी डी पी मल्टीप्लाई हंड्रेड अब रियल जीडीपी आपने कैलकुलेट करनी है नॉमिनल जीडीपी आपको दे रखी है तो ठीक है प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू के इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई हंड्रेड तो ये आपका फॉर्मूला गया स्टूडेंट्स क्या करते हैं तीन तीन चार चार फॉर्मूला लर्न करके जाते हैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है वो ये है इसकी हेल्प से आपको एग्जाम में चाहे नॉमिनल जीडीपी दी हो चाहे रियल जी दी हो आप कैलकुलेशंस कर सकते हो नॉमिनल दे है रियल कैलकुलेट करनी है ये रहा फॉर्मूला रियल दे रखी है नॉमिनल कैलकुलेट करनी है तो उसका भी फॉर्मूला आप ऐसे ही डिराइव कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूजिंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल तो आपको यहां पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेना है उसकी हेल्प से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को एक्सप्लेन करना है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया रियल जी डीपी कॉन्स्टेंट प्राइस नॉमिनल जी डी पी करंट प्राइस ऐसे ही आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन करंट जीडीपी एंड कांस्टेंट जीडीपी अब यहां पर रियल और नॉमिनल नहीं पूछा लेकिन आपको पता चल ही जाएगा करंट जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी और कांस्टेंट जीडीपी मतलब रियल जीडीपी ऐसे ही एक और क्वेश्चन की फॉर्मेशन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच ऑफ दिस इज द बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर दोनों में से अच्छा वेलफेयर कौन शो करता है? है जो कॉन्स्टेंट प्राइस को बेस मानते हुए इकोनॉमी की जीडीपी को कैलकुलेट करती है और इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के इफेक्ट को हम रिकॉर्ड नहीं करते इसलिए रियल जी डी पी करंट जी डी पी बेस्ट जी डीपी होती है वेलफेयर को रिफ्लेक्ट करती है ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर की अब इसके ऊपर बेस्ड भी आपको क्वेश्चन जो है तीन अलग अलग ढंग से पूछे जा सकते हैं तीनों फॉर्मेशन मैंने आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि भाई एग्जाम में ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डज नॉट गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन जो जी डी पी है वो हमें क्लियर इंडिकेट नहीं शो करती हमारी वेलफेयर का भाई जी डी पी तो ग्रोथ शो करती है ना वेलफेयर शो नहीं करती क्या यह सही है समटाइम्स जब एक इकोनॉमी की जी डी पी बढ़ती है तो इसका मतलब सिंपल है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रही है लेकिन ऑब्वियसली समाइम्स ये पॉसिबल नहीं हो पाता हमारी इकोनमी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती सो so, यहां पर आपको वही कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं जैसे नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहां पर बाटर सिस्टम फॉलो किया जाता है प्रोडक्ट्स के बदले में प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं इन दिस सिचुएशन जीडीपी तो हो रही है प्रोडक्ट्स तो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं लेकिन क्योंकि वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में आते हैं इसलिए उनकी मॉनिटरी वैल्यू पता नहीं चल पाती और वो वेलफेयर को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देनी पड़ेंगे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक्सटर्नैलिटीज तो ये सब आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे क्वेश्चन हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द इकॉनमी डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट गिव वैलिड रीजन इन स्पोर्ट ऑफ योर आंसर अगर एक इकॉनॉमी की जीडीपी ज्यादा होती है तो इसका मतलब वहां पर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी ज्यादा होगी क्या आप इससे एग्री करते हैं तो इसका आंसर अगेन है नो no. क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि एक इकॉनॉमी की अगर जी ज्यादा है तो वहां पर वेलफेयर एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है वहां पर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वहां पर गुड्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है यह जरूरी नहीं है हो सकता है कि एक इकॉनॉमी में डिफेंस गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हूं और डिफेंस गुड्स सभी के लिए तो अवेलेबल नहीं होती हैं वो तो सिर्फ आर्मी के लिए अवेलेबल होती है सोशल सिस्टम जो होता है सिक्योरिटीज के लिए अवेलेबल होती है सो so, कई बार एक इकोनॉमी की जीडीपी तो बढ़ रही होती है लेकिन वेलफेयर में उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही होती है तो so, यहां पर भी आपको वो चारों पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं इसके अलावा आपको चारों में से कोई एक पॉइंट भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जीडीपी एंड वेलफेयर ऑफ एन इकॉनॉमी एक्सप्लेन हाउ एक्सटर्नलिटीज एलिटी जी डी पी एंडेयर ऑफ एन इकॉनमी एक्सटरिटी आपको पता है किसी भी चीज का गुड इंपैक्ट और बैड इंपैक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नई इंडस्ट्री करते हैं तो नई इंडस्ट्री इंडस्ट्रीश करने से हमारी इकोनॉमी की जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन उसका बैड इंपैक्ट भी होगा गुड इंपैक्ट होगा हमारी जीडीपी बढ़ेगी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी लेकिन बैड इंपैक्ट क्या होगा हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा वेलफेयर नहीं होगा हर चीज के गुड और बैड इंपैक्ट होते हैं और उसका इफेक्ट जीडीपी और वेलफेयर के ऊपर जाता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके इनकम तो इसमें तीन मेथड्स आते हैं मेथड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड लेकिन हमने जो एग्जाम्स प्रीवियस टर्म्स के एनालाइज किए हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको

डिस्क्रिप्शन में गिवन है एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड जरूर ट्राई करिएगा so अगर कॉन्क्लूड करें तो आपको फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस अच्छे से करना है रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी होता क्या है इनके फॉर्मुला जीडीपी एंड वेलफेयर अच्छे से करना है मेथड्स ये आपको दोनों अच्छे से करने किस तरह करने वो हम आने वाले सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे सो so, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ऑल द वेरी बेस्ट हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे